4-0 से हारे हैं। अभी इंडिया ने 2 गोल मिस भी किए हैं, अगर वो भी हो जाते तो हैट्रिक क्या करते यार, हम लोग कौमी खेल से हार गए। ओलंपिक से बाहर, वर्ल्ड कप से बाहर और अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर, पाकिस्तान की हॉकी की ये बदतरीन मोड़ है। और फुटबॉल में देख लें, हमारा तो फुटबॉल में हम तो क्वालिफाई नहीं कर सकते ना, ठीक है, हॉकी में देख लें, वॉलीबॉल में देख लें, कोई भी गेम देख लें, इस टाइम इंडिया जो है ना टॉप पे है, हर स्पोर्ट्स में इंडिया राज कर रहा है। हॉकी में भी कोई बाबर आजम बना लो जो अपने गोल कर दे। क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में किसी स्पोर्ट्स की इज्जत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। सही बात है, खत्म गया। 4-0 से हारे हैं, अभी इंडिया ने 2 गोल मिस भी किए हैं, अगर वो भी हो जाते तो हैट्रिक क्या करते यार, हम लोग कौमी खेल से हार गए। आप लोग ऐसा करें मेरा भाई, हॉकी छोड़ के कोई जॉब वगैरह करें, कोई गोलगप्पे की रेडी लगा लें, लड़कियां बड़ी शौक से खाती हैं पानी पूरी जिसको हम कहते हैं, आप वो काम कर लें, गेमें वगैरह अगर हमने हार नहीं है वो भी स्पेशली इंडिया से यार, और की मतलब की टीम से हार जाओ, कनाडा से हार जाओ, बांग्लादेश से हार जाओ, इंडिया से ही हारना यार, वो भी अपना कौमी खेल। मेरा सवाल ये है भाई, कौमी खेल में हम हार गए तो सोच लें हमारी गेमें कितनी स्ट्रांग होंगी, हम स्पोर्ट में कितना आगे जाएंगे। कौमी खेल में हार गए हैं, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, गुस्सा भी आ रहा है। और रही बात क्रिकेट, वो 2-3 बंदे हमारी लेकर चल रहे हैं, बाबर आजम और रिजवान, जिस दिन अपनी टीम में से चले गए क्रिकेट का भी बेरा गर्क हो जाएगा यार। अल्लाह के बंदो, खुदा का वास्ता यार, जलील करवाना है। माना कि गेम होती है, हार जीत होती है, लेकिन मेहनत भी तो दिखाओ गेम के अंदर, ये मुझे नजर नहीं आ रहा। बाकी आप देख सकते हैं भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, प्लेयर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा भाई, टैलेंट कहीं नहीं नजर आ रहा। नंबर 2, ये जो गोल कीपर था, इसने किसको पैसे दिए थे ये इवेंट खेलने के? अबे इससे अच्छी गोल कीपिंग तो मैं कर लूं भैया, पाऊ मार रहा और बॉल नीचे से जा रही है, इसकी गोल कीपिंग तो चेक करो जरा, ये कहां से पकड़ा है यार, ये के मतलब किसके जहेज में आया है ये, मतलब ये हरमनप्रीत सिंह के गोल रोकेगा? इंडिया का कप्तान जिसने लिटा दिया बड़ी बड़ी टीमों को, जो मलेशिया को खा गया ये उसे खाएगा, इसके बच्चे खा गया वो, बच्चे खा गया। 2 गोल मार के उसने पहले ही 100% उसके पास जब बॉल आ रही है शॉट ऑन टारगेट मिस ही नहीं कर रहा हरमनप्रीत। अबे एक तो डिसअलाउड हो गया, वरना वो भी गोल था, वो भी चलो टीवी रिप्ले में पता चल गया, वरना 5-0 था। मैं ही कह रहा हूँ ये लालच तुम लोगों यहाँ तक पहुंचे क्यों, ये लालच लेने के लिए तुम जब मलेशिया से हारे थे वहीं से वापसी। हॉकी में भी कोई बाबर आजम बना लो जो अपने गोल कर दे। गजब बेइज्जती है। इंडिया में मैंने जो चीज़ नोट किया, चाहे उनकी हॉकी हो, नो डाउट हमने हॉकी में बड़ा नाम कमाया, अभी भी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप हमारे पास है। अब देखेंगे हम हॉकी में कहाँ है, हमारा कोई नामो निशान ही नहीं है दुनिया में। ये जस्ट भी कहा था कि हमारे यहाँ मेरिट नहीं है, हमारे यहाँ लोगों को चांस नहीं मिल रहे, जो लोग डिजर्व करते हैं उनको चीज़ नहीं मिलती, फ़ोन करवाओ, पैसा दो, रिश्वत दो, आपका काम हो जाएगा। उसी तरह अब इंडिया में देखें, हॉकी में हमारे टॉप पे जा रहे हैं, उनके जो वो विलेजेस में जाते हैं वहाँ पे छोटे उनके टूर्नामेंट्स वो करवाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो ट्रायल्स लेते हैं, वहाँ से अच्छे प्लेयर उठाते हैं। क्योंकि अब सूर्य कुमार यादव जो आप उसकी बैकग्राउंड देख लें, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट अगर वो नंबर 1 बना है तो इंडिया ने ऐसा टैलेंट ढूंढा ना, उसको पिक किया, उनके कोचेज ने देखा। और फुटबॉल में देख लें, हमारा तो फुटबॉल में हम तो क्वालिफाई नहीं कर सकते ना, ठीक है, हॉकी में देख लें, वॉलीबॉल में देख लें, कोई भी गेम देख लें, इस टाइम इंडिया जो है ना टॉप पे है, हर स्पोर्ट्स में इंडिया राज कर रहा है, वो जस्ट इसलिए कि उनके यहाँ मेरिट का सिस्टम है, वो हर उस बंदे को मौका देते हैं जो डिजर्व करता था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बात तो सही है। ओलंपिक से बाहर, वर्ल्ड कप से बाहर और अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर, पाकिस्तान की हॉकी की तारीख में क्या हम ये कहें कि ये बदतरीन मोड़ है या फिर नहीं है, या इससे भी बुरे हालात आ सकते हैं या आ चुके हैं, और कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में इसका? पाकिस्तान में जो हॉकी की खस्ता हालत है उसकी ज़िम्मेदार अवाम भी है और हुकूमत पाकिस्तान भी, क्योंकि पिछले 30 साल से किसी भी हुकूमत ने कौमी खेल पर तवज्जो नहीं दी। देखें मेरा बच्चा 25 साल का, 21 साल का है, दोनों ही ना हॉकी खेलते हैं, ना हॉकी की बात करते हैं, ना हॉकी की बात सुनना चाहते हैं। जो हमारी यूथ है उसमें हॉकी ने अपनी पॉपुलैरिटी को खो दिया। वो आपको अपने आप करना पड़ता है।